ये सेमिनार हम लोग और वर्कशॉप्स डिजिटल एजुकेशन पर सारे भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग समय करते हैं। नई शिक्षा नीति जो आई है इसमें डिजिटल का बड़ा महत्व दिया है। जो सरकार का एम्बिशियस प्लान है कि शिक्षा बढ़नी चाहिए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अभी 27% है इन 70-75 वर्षों में, अगर इस 27% को 50% करना है तो जितने विश्वविद्यालय 70-75 साल में खुले, 1100 विश्वविद्यालय और 40,000 से 50,000 कॉलेजेस, उतने कॉलेजेस अभी 11 वर्षों में तो नहीं आएंगे और ना ही विश्वविद्यालय आएंगे। लेकिन ग्रॉस एनरोलमेंट अगर बढ़ाना है तो डिजिटल इज द ओनली वे। और इतना ही नहीं, जब हम बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी की, ये एकदम स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन पॉलिसी, मतलब स्टूडेंट को कैसे हम सहायता कर सकें, उसको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी दे सकें, ये सारा लक्ष्य है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, वो चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो। क्योंकि ऐसा महसूस हुआ कि अपनी मातृभाषा से लोगों का हीन भावना होती थी, जब तक अंग्रेजी ना जाए, इससे जब तक नहीं निकलेंगे तब तक भारत के विकसित होने की कल्पना बड़े दूर है। और जहां तक इंटेलिजेंस आईक्यू की बात होती है या इमोशनल इंटेलिजेंस की बात होती है या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात होती है, ये गांव में जो विचित्र अलग अलग लोग हैं वो भी उतने ही इंटेलिजेंट है जितना अंग्रेजी बोलने वाला है। इसलिए ऐसा ना हो कि वो छूट जाए, और इसलिए डिजिटल मोड में एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे 2035 तक मोबाइल फोन और संगसाथी आपणक पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुचि कि आपण से बिव्रत कि तेज आज ही आसतु आपड़ चाहूबा मन लगे संपूर्ण आवासिक स्कूल। टीएससी गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर।